गाइस ये देखिए, ये है इलाहाबाद जाने की सड़क। पता मुदा है ये क्या था हो रही और गो भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदनान शोरा व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी जो है टाइम आया है शाम के 6, तो फिलहाल जो है बहुत लेट हो गया, हम निकलने वाले हैं और असरार भाई भी यहाँ पर रेडी है। तो हम जाने वाले हैं आज पहलगाम, बट इस बार कैंपिंग नहीं होने वाली है, हम रात को जाने वाले हैं, होटल में रुकेंगे, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, आपको भी कराएंगे एक्सपीरियंस। फिलहाल हम निकलते हैं, बाकी सारे वेट कर रहे हैं बाहर, तो चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, हमें पहले जाना है गाड़ी में गैस भरवाने, उसके बाद हम जो है बाकी को उठाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे पहलगाम। तो पहले चलते हैं गैस भरवाने। तो आ गए हम गैस भरने यहाँ पर। गाइस तो हम आ गए गैस भर के वापस, तो अभी हमें यहाँ से निकलना है पहलगाम के लिए, तो चलते हैं सफर करते हैं स्टार्ट अपना। सनसेट के जबरदस्त। हाँ जी गाइस, तो हमारा जो सफर है वो जारी है, अभी हम पहुंचे, कहाँ पहुंचे? हम बिजबहरा पहुंचे। बिजबहरा पहुंचे, तो अभी हमें जो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? हमें हो जाएंगे 2 घंटे। 2 घंटे लगे? हाँ 2 घंटे लगेंगे हमें अभी यहाँ से। तो अभी हम खाने के लिए कुछ लाएंगे, उसके बाद हम निकलते हैं सफर के लिए। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई। A few moments later. हाँ जी, तो अभी हम पहुंचे हैं पहलगाम, बिल्कुल 3-4 घंटे के, 3 घंटे के सफर के बाद अभी जो है टाइम आया 10:45, बहुत ज्यादा लेट हो गया। बट अब हमने जो है ये वाला होटल बुक किया है, तो ये हम होटल रूम हमने बुक कर लिए, बट अब हमें जाना है डिनर करने बाहर, तो वहाँ से हम जाएंगे पहले डिनर करने, उसके बाद हम आपको होटल रूम्स दिखाएंगे, तो चलते हैं। तो अभी हम आ गए मार्केट में, यहाँ पे हम अच्छे से करेंगे डिनर, फिर जाएंगे अब अपने अपने रूम्स में, देखते हैं कुछ खाते हैं यहाँ पर। यह है कुछ पहलगाम का मार्केट। हाँ जी, तो अभी जो हम डिनर करके आ गए, हम गए थे पहलगाम का छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर हम गए थे मीना बाजार, उनका नाम रखा है उसका। तो बट खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं था, बिल्कुल भी मजा नहीं था, वो रिश्ते के बदले लग रहे थे न्यूट्री खा रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ था। अभी हम मार्केट को एक्सप्लोर करने निकले थे, नाइट व्यू दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इस मार्केट का, फिर हम रूम्स में चलते हैं वापस। ठीक है जी, तो अभी हम निकले हैं मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करने। लुक एट दीज ब्यूटीफुल लाइट्स, कितना ज़्यादा खूबसूरत नाइट व्यू है यहाँ का। तो सालिक भाई भी मेरे साथ है। सालिक, कैसा लगा पहलगाम का नाइट व्यू? बहुत ठंड है इस टाइम, बहुत ज्यादा ठंड है अभी, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज्यादा बारिश गिर रही थी, अब थोड़ी सी कम हुई है। हाँ बहुत कम हुई है, बट ये देखिए मून भी निकल चुका है, बट फिर भी गीला है सारा का सारा। सारा का सारा गीला है, बिकॉज मौसम जो है ना बहुत ज्यादा खराब था आज, बट अभी जो है थोड़ी सी फर्क हो गई है, मून भी निकल चुका है। तो कितने दिन का प्लान है यहाँ पर रहने का? कितने दिन का प्लान है? प्लान तो एक ही दिन का था, मे बी 1-2 दिन रह जाए, बिकॉज मौसम भी आज खराब था, कल भी मत रहेंगे इंशाल्लाह। कल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, हम आए रात को ही, आज ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाता, शाम को हम बस आपको नाइट व्यू दिखाएंगे मार्केट का, तो और फिर सो जाएंगे। बहुत ज्यादा सर्दी है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लग भी रहा होगा हमारे जो कपड़े है उससे लग ही रहा होगा, लेकिन कपड़ों का कुछ फायदा नहीं आ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है। लुक एट दिस मार्केट, ये देखिए कितना ज्यादा
खूबसूरत लग रहा है ये मार्केट, ये है कुछ पहलगाम का मार्केट। एहसास की जो जुबान बन गए। गाइज ये है पहलगाम का मार्केट व्यू, बड़ा सन्नाटा है भाई, बड़ा संगाटा, संगाटा वो याद है मूवी का नाम याद पड़ गया, संगाटा बड़ा सन्नाटा है ना वो। गाइस पहलगाम में स्पॉट्स ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सी है, बेता वैली और वैली दोनों जगह हम गए हैं, यहाँ भी हम जाने वाले हैं। 22 रन ये थोड़ा सा ट्रैक है तो वहाँ हम जाने वाले हैं, तो और चंदनवाड़ी भी हम गए हैं ऑलरेडी, तो 22 रन हम जाने वाले हैं। ददरवड़ भी जाना है, शीशनाग भी जाना है, टोलेन लेक भी जाना है और कोल्हाई ग्लेशियर, ये सारे ट्रैक्स हैं, तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। 22 रन भी हमें जल्दी करना है तो इसका भी प्लान है, तो यहाँ से ये सारे ट्रैक्स हैं माउंटेन्स पे। हाँ तो ये है कुछ मार्केट का व्यू। 2 hours later गाइस तो आ गए हम होटल में वापस, तो अभी मैं जो है आपको रूम दिखाने वाला हूँ अपना जो हमने लिए, दो रूम हमने लिए है, तो ये है एक रूम, तो ये होने वाला है हमारा एक रूम, तो ऐसा ही है हमारा दूसरा रूम भी, वो जो है इसके बगल में साइड में इसके, तो वहाँ पर जो सारे अभी बैठे हैं मज़े कर रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट रूम होने वाला है, तो सोने के टाइम हम जो है एक्सचेंज करने वाला है, तो फिलहाल जो है मैं भी वहीं चलता हूँ, अच्छे से हम वहाँ पर मज़े करेंगे फन करेंगे, तो सोने के टाइम फिर हम देखते हैं कहाँ सोते हैं, वहाँ सोते हैं यहाँ सोते हैं, फिलहाल जो है चलते हैं हम उसी रूम में, ठीक है। तो ये है रूम हमारा, ठीक है। The next day. So guys, देखिए सुबह के 8:15 बज गए और देखिए कैसे व्लॉगर साहब हमारे, इनको व्लॉग नहीं बनाना है अदनान भाई, व्लॉग बनाइए उठिए, देखो बाहर धूप क्या है, ओहो हो क्या, ओहो 8:15 बज गए। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:00 बजे 10 बज गए, ब्यूटीफुल व्यू, 10 नहीं बजे 8:15 बज गए। गाइस तो अब हम उठे हैं नींद से, अभी जो है टाइम आया है सुबह के 9, फिलहाल जो है हम रेडी हो गए हैं, तो अभी हमें जाना है पहले ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद जाएंगे हम किसी अच्छी जगह घूमने, पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, मॉर्निंग व्यू। ये है हमारे होटल से सुबह का मॉर्निंग व्यू, लुक एट दिस व्यू, माउंटेन्स क्या ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जाएंगे अच्छे से ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद जो है जाएंगे कहीं घूमने, ठीक है, तो फिलहाल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। गाइस तो अभी हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट, तो हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने, फिर हम वहीं से जाएंगे घूमने, तो फिलहाल हम जो है होटल से कर रहे हैं चेकआउट, तो ये हमारी गाड़ी रेडी है, तो अभी जो है निकलते हैं, ठीक है, बाकी भी निकल रहे हैं, यहाँ पर हो गई है निकलने की तैयारी, सालिक भाई चीज़ें डाल रहे हैं पीछे, क्या डाल रही क्या है दर्शकों को नहीं बता सकते इसमें क्या है। Guys, I love you. यहाँ पर आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, लिप्टन चाय, आधुने ने चाय की ऑर्डर, आधुने लिप्टन चाय की ऑर्डर, सिंपल वीडियो तू ना और सिंपल पद बनाऊं टाइम लैप, तो ब्रेकफास्ट करके अब हम निकले अपने अगले सफर के लिए, तो अभी हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, आरू वैली जाएंगे या बेता वैली जाएंगे या कहीं और भी जा सकते हैं, तो फिलहाल हमने जो गाड़ी निकाल लिया, अभी चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह, ठीक है। A few moments later. हम आरू वैली जा रहे थे और देखिए रोड की हालत क्या हो रही है, स्मार्ट कश्मीर स्मार्ट पहलगाम, देखिए टूरिस्ट स्पॉट्स पे कैसी हालत है। जैसे पहाड़ों से दूध उतर रहा है।
वैसा ही लुक आ रहा है। ब्यूटीफुल व्यू और यहाँ से गाइज, तो हमारा जो प्लान था ऑरो वैली जाने का था ऊपर, बट अब प्लान चेंज हो गया। हमें ट्रैक करने जाना है, ट्रैक करने यहाँ से हमें जाना है लेदरवर्थ। तो अभी हमारा ट्रैक जो स्टार्ट होता है, बाकी लोग चढ़ चुके हैं और अब हम जाएंगे ऊपर। तो कितना ट्रैक है भाई? पूरा और काम 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है, बट लोकेशन ऊपर जबरदस्त मिलने वाली है। अभी हम देखेंगे कहाँ तक पहुँच पाएंगे, बिकॉज हमारे साथ प्रॉपर ट्रैकर साथ नहीं है, बेचारे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेट्स सी। रास्ता शदीद खराब है। और अदनान भाई, स्टार्ट कैसा लग रहा है ट्रैक करना? स्टार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन रास्ता कहाँ से? सारा पत्थर का पत्थर ही है, लेकिन व्यू बहुत जबरदस्त है। इल्ला माशाल्लाह, वर्थ वर्थ। चलो, मेरी सांस फूल गई। गाइस, ये देखिए मैप ट्रैकिंग का, नानगर लेदरवुड, यहाँ से हमें जाना है ना, यहाँ से पहाड़ों के ऊपर जंगल के डायरेक्टली सीधे लेदरवुड। और ये है रास्ता और ये है लोकेशन। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, रास्ता बड़ा कठिन है। One eternity later. Guys, resting spot. अभी हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इसे स्ट्रेच बोलते हैं। ये गोर और खासा है नहीं? नहीं शुभोन वासन। हाँ? अभी नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रैक जो है फिलहाल चल रहा है, सर रेस्ट कर रहे हैं। पहला स्पॉट जहाँ पर हम ट्रैकिंग करते करते पहुंचे, ये देखिए मेस्मराइजिंग व्यू। कैसा लगा ट्रैक गाइज? हाँ जी गाइज, तो हमारा जो ट्रैकिंग का फर्स्ट स्पॉट है वो आ गया है। लुक एट दिस व्यू, look at this beautiful view and enjoying salik Two hours later hum yahan par batak chuke hain, hamare friends jo hai pata nahi kahan chale gaye, hum jo hai photos le rahe the isi ke sath। ye dekhiye trekking kahan se karni pad rahi hai, ye dekhiye pata nahi sharik kya nota lagos khala जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक दवा। इसी बात पे ठोको लाइक, ठोको शेयर। मकले Guys, this is real trekking. coming soon. ये वो सीन है जो कोई बताता नहीं है ट्रैकिंग में। एक गेम है। देखिए देसी जुगाड़, देसी प्योरीफायर, पानी कहाँ से आ रहा है। और ये है वेव कुछ, यहाँ से पहाड़ के नीचे से पानी आ रहा है। पथरीला रास्ता, ये देखिए ये है लेदरवुड जाने की सड़क। देखिए कहाँ से जाना पड़ रहा है। 1 मिनट आई थी, रुक जाओ। ये देखिए
देखिए ये है कुछ रोड यहाँ से जाने का। ओह गाइस, तो फाइनली इतना ट्रैक करने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमें व्यू मिला है। इट्स वर्थ, लेट्स सी द व्यू। गाइस व्यू क्या मिला है हमें, लुक एट दिस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। और ये देखिए नीचे के साइड से, तो देखिए गाइस व्यू। गाइज, तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, यहाँ तक हमने ट्रैक किया। यहाँ से अभी जो है 2 घंटे का सफ़र है लदरवट तक, जो कि हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें वापस भी जाना है, घर नीचे जाना है, हमें कैंपिंग नहीं करनी है। तो फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है, बाकी भी रेडी हो गए हैं वहाँ से, तो चलते हैं। ठीक है, निकलते हैं हम अपना, अब वापसी का सफ़र करते हैं। उसके बाद हमें जाना है अब आरू वैली। आरू वैली में हम जाएंगे अच्छे से अंदर फ्लो एक्सप्लोर करेंगे और निकलेंगे फिर वापस घर अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं। सारे भाई, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? Not as good if we हालत खराब है, सब थक गए हैं हम यहाँ पर। अगर हम लेदरवट जाते फिर बेटर रहता, लेकिन मजा था। अगर जाते मजा लगता, बट क्या कर सकते हैं, किसी दिन आएंगे कैंपिंग पे तो जाएंगे, आज नहीं जा सकते। तो चलिए अब चलते हैं वापस। कर रहा था, इतनी मेहनत की हमने, बट जब हमने सुना कि 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर है और, तो चेंज्ड आवर प्लान्स। Taxi ya ke zoom. देखिए जूतों की हालत, चप्पल लगा के ट्रैकिंग करने आए हैं। कमाल है मेरा, कमाल है। और ये देखिए हमारी हालत, दिस इज रियल ट्रैकिंग। देखिए कहाँ से ट्रैक करना पड़ रहा है, वापसी का ट्रैक वापस। लदरवट के पास जो है पैराग्लाइडिंग चल रही है, कह दे फाइनली अब हम वापस उतरेंगे। चलो पैराग्लाइडिंग गाइस। ता मुदा है ये क्या था, हो रही और को भाई हवा से को ये वो चूर ये वैसे ये थी अच्छा ये थी पैर की पार गुड ये वो चूर वन जन योर कुन मन वो कि ना सो हमेशा वादा और कलाकारी। हाँ जी गाइज, तो पहुंच गए हम आरू वैली, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। और यहाँ पर आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकॉज संडे है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो चल रहा है, बर्न हॉल का कैंप चल रहा है यहाँ पर, बर्न हॉल स्कूल का समर कैंप चल रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, ये देखिए बर्न हॉल स्कूल का समर कैंप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल आरू वैली के अंदर है, लुक एट दिस। ये देखिए है कुछ आरू का मौसम, आरू वैली का, लुक एट दिस व्यू। अभी हम पर थोड़ी देर बैठे हैं, फिलहाल करते हैं हम एंजॉय, एक्सप्लोर करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बट हम यहीं पे अभी हम जाएंगे पहले नीचे, वहाँ पर कुछ खाएंगे बिकॉज हमें बहुत लगी भूख। हम ट्रैकिंग करके आए, हमने कुछ खास खाया नहीं है, तो अभी हम नीचे जाएंगे अच्छे से कुछ खाएंगे। लेवेंडर पार्क जाएंगे, वहाँ पर भी जबरदस्त लोकेशन है। देखिए टूरिस्ट कर रहे हैं अपना काम, फोटोज ले रहे हैं, सॉरी मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोज ले रहे हैं। और हम भी जो है खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, बीइंग अ कश्मीरी हम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं बिकॉज हमें बहुत ज्यादा पता है इनकी, मतलब इनसे। तो ये है कुछ आरू वैली टूरिस्ट से, आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा, पिछली बार भी हम आए थे। तो यहाँ से जो है रिवर है आरू वैली का, और पीछे से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन्स है। फिलहाल हम चलते थे कि बाकी जना हमारा वेट कर रहा है। गाइस, तो अभी हम आ गए हैं लेवेंडर पार्क, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं रिवर जो है चल रहा है, और यहाँ पर राफ्टिंग भी करते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर कुछ खाएंगे, उसके बाद आपसे। लाइफ जैकेट लेके देखिए ब्लू कलर, ولاگر علاوہ آسان ولاگرس پہاڑو کی میں یا جس تو چار اسے ورائے بھی
गाइस तो ये है हमारा लंच। लंच कर रहे हैं हम चार बजे कर रहे हैं ना हम लंच पहाड़ों की मैगी। गाइस तो हमने जो है यहाँ पर मैगी खाई, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लेवेंडर पार्क से। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट, तो चलते हैं यहाँ से, ठीक है। हम डायरेक्टली जो है आ गए थे घर। तो ये वाला फ्रेम डायरेक्टली शूट हो रहा है घर से, तो बहुत ज्यादा थकने के कारण मैंने जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। तो अब फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, बिकॉज अब मुझे वीडियो जो एडिट करना है। फिलहाल जो है आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।